सब्सक्राइब कीजिए YP News India YouTube चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु और आज बात करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया है और देशवासियों को कोरोना वायरस को लेकर सतर्क किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जागरूक करते हुए देशवासियों को कहा है कि संकल्प लें और संयम से काम लें। तो संयम और जो संकल्प है वो बहुत जरूरी है। संकल्प है खुद को बचाने का और संयम है घर से बाहर ना निकलने का। भीड़ से बचना है हमें और खुद को घर से बाहर नहीं निकालना है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो कही है जनता कर्फ्यू की। 22 मार्च को उन्होंने अपील की है पूरे देशवासियों से कि हम जनता कर्फ्यू लगाएं। जनता कर्फ्यू का मतलब कि खुद के लिए कर्फ्यू लगाएं, हम घर से ना निकलें इस दिन। हम बिजनेस अपना करते हैं या फिर हम दफ्तर का काम जो करते हैं वो घर से करें, और इस तरह से जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की है। उन्होंने सीनियर सिटीजन से अपील की है कि वो घर से ना निकलें। दो बार अपील की उन्होंने सीनियर सिटीजन से कि घर से ना निकलें। जनता कर्फ्यू जो है 22 मार्च को लगाने की प्रधानमंत्री ने अपील की है। कर्फ्यू जो है उन्होंने कहा खुद लगाएं, घर से बाहर ना निकले, सोसाइटी से बाहर ना निकले, मोहल्ले से बाहर ना निकले। और ये संयम जो है मतलब उन्होंने ये कहा कि जो हम संयम है हमारा कि हम घर से ना निकले और संकल्प यही लें खुद को बचाने का। जब हम खुद को बचाएंगे, जग को बचाएंगे, राष्ट्र को बचाएंगे, तब हम जाकर स्वस्थ रहेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने डॉक्टर और मीडिया कर्मी या फिर वो लोग जो दफ्तर नहीं छोड़ सकते हैं उनको लेकर भी कहा है कि इन लोगों की सक्रियता जो है वो अनिवार्य है। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि 22 मार्च को शाम को अपने बालकनी पे या घर से बाहर निकलकर ऐसे लोगों को सैल्यूट करें, उनके लिए जो है ताली बजाएं और या फिर थाली बजाएं या फिर घंटी बजाएं या फिर सायरन बजाएं, इस तरह से उन लोगों का धन्यवाद करें। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जैसे डिलीवरी बॉय हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, सीसी के लोग हैं, या फिर डॉक्टर हैं और मेडिकल स्टाफ है, मीडिया कर्मी हैं, ये लोग छुट्टी पर नहीं जा सकते। तो इन लोगों को सैल्यूट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पैतरा निकाला है कि शाम को बालकनी पर 22 मार्च को 5 बजे जब जनता कर्फ्यू लगेगा तो घर से निकले और ऐसे अगर लोग दिखें तो उनको सैल्यूट करें, सायरन जो है वो दें और वो पता चलना चाहिए कि लोग सैल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया है और एक अपील की है कि खुद कोरोना वायरस से कैसे बचाएं खुद को। प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो हॉस्पिटल्स उन पर दबाव नहीं बढ़ना चाहिए, रूटीन चेकअप के लिए जो लोग जाते हैं वो इससे बचें। इसके साथ ही वो फोन पर सलाह ले सकते हैं डॉक्टर से, और जो है अगर कोई इलेक्ट्रोसर्जरी की तारीख अगर आपने ले रखी है तो उसकी डेट आगे कर लें। तो इस तरह से तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कही हैं और अपील की है कि खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचा सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने व्यापारी वर्ग है जो या फिर जो बिजनेस क्लास है, जो लोगों को जो व्यापारी वर्ग है उससे अपील की है कि लोगों की सैलरी ना काटें। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका घर का खर्च चल रहा है, उनका भी परिवार है, वो लोग उन लोगों को भी कोरोना वायरस से बचाना है अपने परिवार को। तो ऐसे लोगों की सैलरी ना काटें और जितने भी दिन वो लोग घर से काम करते हैं तो उनको पूरी सैलरी दें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि ना तो हम दूध की कमी होने देंगे, दवाइयों की कमी नहीं होने देंगे और जरूरी सामान जो है उसकी सप्लाई होती रहेगी। साथ ही साथ ये भी अपील की है कि जो कई लोग हैं वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सामान इकट्ठा ना करें, होड़ ना लगाएं और पैनिक क्रिएट ना करें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी खास बातें कही हैं। उन्होंने कहा वैश्विक संकट है, सारे देशवासी जो हैं वो दृढ़ संकल्प लें कि हमें खुद को बचाना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रहार हो रहा है, कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो वित्त मंत्री की देखरेख में उन्होंने COVID-19 नाम से एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो कि इस पर नजर रखेगी और उससे जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उन पर नजर रखी जाएगी। तो इस तरह से काफी कुछ बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानव जाति की विजय हो, भारत विजय हो, और नवरात्रि का पर्व आ रहा है, उपासना का पर्व आ रहा है, उससे पहले हमें इस बड़ी महामारी से निजात पाना है और हमें लड़कर दिखाना है इससे।
अंत में जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आओ हम भी बचें, देश को भी बचाएं और पूरे जग को बचाएं। इस तरह से उन्होंने जो है कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन किया और देशवासियों से अपील की। खासकर सबसे अहम यही है कि जो उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की, अंत में जाते जाते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि जो जनता कर्फ्यू है उसकी मैं अपील दोबारा करता हूं। जनता कर्फ्यू मतलब खुद के लिए कर्फ्यू लगाए, घर से बाहर ना निकले। तो ये आपको बता दें कि जो रविवार है 22 मार्च आने वाला, उस पर खुद घर से बाहर ना निकले, मोहल्ले से बाहर ना निकले, सोसाइटी से बाहर ना निकले और इस तरह से खुद को बचाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मोहल्ला स्वस्थ रहेगा, हमारी सोसाइटी स्वस्थ रहेगी, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, तभी जाकर ये पूरा जग स्वस्थ रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की जानकारी यहीं होती खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको सुझाव या शिकायत है कोई तो कमेंट करके बताएं। और मेरी आप लोगों से यही अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ और इसे शेयर करते रहें ताकि आगे आकर लोग ज़्यादातर हमारे चैनल से जुड़ सकें और YP न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें, लोगों तक हमारी वीडियो जा सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी न्यूज़ पा सकें। तो हमारा यही संकल्प है कि हम भी आप तक एक सही जानकारी पहुँचाएँ और किसी भी बड़ी गलत फहमी या फिर अफवाह से आपको बचाएँ। तो दोस्तों बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।